तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि स्मोग है क्या। और तो आप जानते हैं बेसिकली स्मोग क्या है। सो बेसिकली स्मोग इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन फाउंड मेनली इन अर्बन एरियाज एंड लार्ज पॉपुलेशन सेंटर्स। सो बेसिकली द टर्म स्मोग वॉज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1905 बाई डॉक्टर हेनरी टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। ये जो स्मोक है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, द वन इज स्मोक, द सेकंड वन इज फॉग। अब आप सब लोग जानते हैं कि फॉग क्या है, अब सब लोग जानते हैं बीइंग कैन स्मोक क्या है। जैसे आप सॉल्यूशन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जैसे मादे की मुख्तलिफ हालतें हैं और जो मिक्सचर होता है जो सॉल्यूशन होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग। और इसमें से एक वो चीज जिसकी मकदार कदरे कम होती है हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, सॉल्यूट है। और वो कंपोनेंट जिसकी मकदार जो है वो एक्सेस में होती है ज्यादा होती है उसे कहते हैं सॉल्यूट। तो अगर हम स्मोक की बात करते हैं इट्स अ मिक्सचर इट्स अ सॉल्यूशन हैविंग पार्टिकुलेट मैटर जिसको आप उर्दू में मुनहिल कहेंगे, ठीक है, और एयर जिसको आप मांदर बोलेंगे। असल में बात यह है कि वो लैंग्वेजेस की बात हो रही थी तो ये जबान जैसे कहते हैं कि अंग्रेजी जबान जो है ना वो उनकी अजारादारी नहीं है, अंग्रेजों की कोई भी बोल सकते। ख्वाजा फरीद ने सारी जिंदगी जो ना पोएट्री के इसमें की है सराइकी में की है और शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे ही वाज अ मल्टीलिंगुअल। मेरे ख्याल में आज के किसी भी पढ़े लिखे पाकिस्तानी की किसी अंग्रेजी जबान के ऊपर इतनी अच्छी दस्तरस नहीं थी जितनी थी उनको थी। ख्वाजा बड़ा फरीद मिडिल कोट वाले, ठीक। तो लेकिन हर बंदे का अपना अपना अंदाजे बयां होता है, कोई बात किसी अंदाज से करता है, कोई जबान बात जो है वो किसी अंदाज से करता है। और वो बात जब आपकी जुबान से अदा होती है तो बेसिकली आपके जज्बात जो है उसमें शामिल हो जाते हैं और आपकी फीलिंग के मुताबिक वो लोगों के ऊपर असर रखती है। और बेसिकली शेर जितना भी खूबसूरत हो जब तक उसमें जज्बात शामिल ना हो वो असर नहीं करते। गजल में बंदिश व अल्फाज ही नहीं काफी, कुछ जिगर का खून भी चाहिए असर के लिए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं एक बेअदब लबादे के अंदर छुपा हुआ एक अदबी इस्तारा भी हूं, ठीक है। तो मेरे जो लेक्चर होते हैं मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को बात करता हूं तो मैं क्योंकि ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है कि हमने सिर्फ उनको केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी उनको ट्रेनिंग भी देनी है अगली लाइफ के लिए, तो इस तरह की बातें जो है ना मैं बच्चों से करता रहता हूं। आज मौका मिला है अल्लाह ताला ने दिया है, आई एम वेरी थैंकफुल काशिफ साहब उस्मान साहब कि आपने मुझे ये मौका दिया आपसे बातें कर रहा हूं। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे स्मोक की, तो ये कॉम्बिनेशन है स्मोक और फॉग। स्मोक इज एसोसिएटेड विद सेवरल डेट्रिमेंटल एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड सिग्निफिकेंट रिडक्शंस इन एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी इन वन ऑफ देम। इसके बहुत से एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, ये बड़ी टॉक्सिक है चूंकि बेसिकली इसके जो अज्जा हैं वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसान दे रहे हैं जिनसे ये मिल के बनती है स्मोक। तो उनमें से कोई एक ये भी है कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, आप ट्रैवल नहीं कर पाते, एक्सीडेंट होते हैं, यह सब मामला होते हैं। स्मोक इनकम्पास अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एयर पोल्यूटेंट क्रिएटेड थ्रू अ मल्टीट्यूड ऑफ प्रोसेसेस दैट लेड
specifically to the atmospheric conditions of the formation region. आप अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोविड था तो जो पाकिस्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो बहुत इंप्रूव हो गया था। ये फॉग जो होती है ये कुछ एरिया के अंदर ज्यादा होती है, कुछ एरिया के अंदर कम होती है, और इसकी जो कंपोजिशन होती है, इसके जो डेट्रीमेंटल इंपैक्ट है, वो उस इलाके की जो कंपोजिशन है जो कि उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है उसके स्मोक के बनने में, उसके ऊपर मुनसर होती है। और टेम्परेचर का इसके ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है स्मोक। आगे तो आमतौर पे हम ये स्मोक जो फेस करते हैं, स्मोक सिर्फ सर्दियों में नहीं होती, गर्मियों में समटाइम जो है आप ऑब्जर्व करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्मोक, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट कंबाइंड विद फॉग इन एन अनहेल्दी और इरिटेटिंग मिक्सचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्मोक, द वन इज सरफेस स्मोक, फसल स्मोक, एंड वेरी पॉपुलर नेम इंडस्ट्रियल स्मोक। And the second one is photochemical smoke, sunlight and pollutant, toxic material. ये उस्मान साहब बात कर रहे थे कि sometime आप किसी चीज की जब translation करते हैं तो वो जो translator है वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं कर पाता और जो आप कहना चाहते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, ये कुछ जिससे आप बोलते हैं ना उर्दू में मुतरादफ अल्फाज, तो एक्चुअली अगर उनको कोई लिटरेरी आदमी देखे तो मुतरादफ नहीं होते। बिल्कुल सही। ये पोल्यूटेंट और टॉक्सिकेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, हम आमतौर पर दोनों को एक ही सेंस में लेते हैं। एक वो मटीरियल है जो हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे एनवायरमेंट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और उसकी जो कंसंट्रेशन है एक हद से जब बढ़ जाती है तो वो डेट्रीमेंटल हो जाती है। और एक वो मादा है जो हमारी फजा के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, वो मैन मेड एक्टिविटी की वजह से हमारी सोसाइटी में दाखिल होता है। आगे प्लीज। नेक्स्ट, इससे पहले भी कुछ होगा नहीं, टाइप ऑफ स्मोक के बारे में सुनो। तो ये दोनों किस्म की जो स्मोक है, इंडस्ट्रियल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक, आमतौर पे जो आप गर्मियों में देखते हैं ये फोटोकेमिकल स्मोक होती है, और जो हम आमतौर पे सर्दियों में देखते हैं ये इंडस्ट्रियल स्मोक होती है। और जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है उसके जो मेजर कंसर्न्स होते हैं या मेजर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो रेडिकल और आयंस होते हैं, ओजोन होती है और ये आपकी सनलाइट होती है, वो उसके मेन महरक होते हैं जो स्मोक डेवलप करते हैं। और जो सर्दियों में होती है इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर। जैसे आप कभी घर के अंदर भी कोई इंजन जलाए तो उसमें से ऐश उड़ती है, इसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। आपके जो रोड पे चलने वाली जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, आपकी जितनी भी ये मुख्तलिफ किस्म के क्या कहना चाहिए कि ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिसमें थर्मल
प्लांट्स जो हैं उनके फ्यूल के तौर पे एग्रीकल्चर वेस्ट है, कोल है, आपके पुराने कपड़े हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर इस्तेमाल होती है एज अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब उनकी कंबस्टन होती है तो एज ए बाई प्रोडक्ट आपकी जो फ्ल्यू गैसेस होती हैं, उन फ्ल्यू गैसेस के साथ साथ जो है वो कुछ पार्टिकुलेट मैटर जो है वो भी हवा में होता है, उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। Let me talk about the chemistry of smoke, formation of photochemical smoke. पहले स्टेप में क्या होता है? The people begin driving vehicles in the morning. Nitrogen is burned or oxidized. Nitrogen आपके जो आपके vehicles हैं उनकी transmission से produce होती है, जो oxygen के साथ reaction करती है और nitrogen का oxide बन जाता है, nitrogen oxide. After a few hours, NO combines with O2 in another oxidation reaction, and that becomes nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide. एक बात यहां मैं थोड़ा सा आपको जो है ना बताना चाहूं कि जो मुख्तलिफ केमिकल्स हैं वक्त के साथ साथ ना इसमें चेंजेस आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, चीजों को ज्यादा से ज्यादा क्लियर और अंडरस्टैंडेबल बनाया जा रहा है। जैसे आप कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो डॉक्टर मुखारी साहब बैठे हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और मैं इनके सामने इस तरह की बात बहुत ही इतिहास से करता हूं। इनका जो न्यू नॉमिनिक्लेचर है ना वो ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नहीं है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यानी कि आप एक एक कंपोनेंट को एलैबोरेट करें और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि इसकी कंपोजिशन क्या है। चूंकि आप ये जो कफ सिरप है इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इन एडिशन टू लिटिल बिट एडिटर्स जो यूज होते हैं